आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे, किसी ने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया होगा, किसी ने कोई पर्सनल लोन लिया होगा, किसी ने किसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया होगा, लेकिन समस्या ये है कि आप उसको पे नहीं कर पाए हैं, या फिर आपसे एक दो दिन लोन चुकाने में देरी हो गई, आपको रिकवरी एजेंटों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया होगा, आपको डराया होगा, आपको धमकाया होगा और आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत भी किया होगा। हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे पास में व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें एक व्यक्ति बताता है, सर हमें आपकी पेड सर्विस चाहिए, हमें टेलीफोनिकली आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया गया है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने उनको बताया पेड सर्विस लेने का क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस हमने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने पेड सर्विस ली तो उन्होंने बताया, राहुल सर मैंने ना ICICI बैंक का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड जो है वो लिया हुआ है, मैं कंटिन्यू उसको यूज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ मेरी सैलरी थोड़ी लेट हो गई तो मैं 7,000 रुपए का जो लोन था, जो उसका बिल था, मैं पे नहीं कर पाया। जब मैं उसको पे नहीं कर पाया तो अभी रिसेंटली मेरे पास में एक मैसेज आया है और बताया है उन्होंने कि आपने जो 7,000 रुपए का अमाउंट है वो हमारा पे नहीं किया है, आपने हमारे साथ में धोखाधड़ी कर दी है, आपने हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया है, आपके ऊपर 420 के तहत अब केस हो गया है और अब आपको कोर्ट में आकर के पता लग जाएगा क्या होता है आखिर फ्रॉड करने का मामला। अब जब इतनी बात व्यक्ति को कही, व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया, व्यक्ति डर गया, घबरा गया, हेल्प ढूंढना शुरू कर दिया। तो आप भी जब इस प्रकार से परेशान होते होंगे, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा जैसे उस व्यक्ति के मन में सवाल आया कि आखिर बैंक NBFC 420 का जो धारा है वो कितने रुपए के लोन को डिफॉल्ट होने पर करते हैं। मतलब जानना तो चाहते होंगे आप भी पूरे तरीके से, भाई आपने पैसा लिया है, अगर आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको 420 के मैसेज आते रहेंगे, फिर आपके मन में ये सवाल आता ही होगा कि कितने रुपए का लोन ना चुकाने पर ये धारा लगती है। तो देखिए आपको एक बात समझनी है, ये 420 का केस होता कब है। 420 का केस उस केस में किया जाता है जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक NBFC से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है और उसने लोन लेते समय कोई भी जानकारी गलत दे दी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिया हो, किसी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ कर दी हो, तब जाकर के तो ये आपके ऊपर 420 का केस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी प्रकार का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं और ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इसमें तो आपसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल ली जाती है, आपकी KYC ली जाती है, इसमें व्यक्ति क्या गलत बताएगा, कुछ गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, इसमें आपके ऊपर धोखाधड़ी का ये केस करें। धोखाधड़ी का केस ये तब भी कर सकते हैं जब व्यक्ति कोई चेक दे रहा है और उस चेक में कुछ गड़बड़ कर दी है, व्यक्ति ने गलत चेक दे दिया है, तब जाकर के कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे हमको इन्होंने गलत चेक दिया है, तो उस केस में तो ये 420 का केस कर भी सकते हैं। लेकिन ऐसे हवा हवाई में 420 का केस नहीं हो सकता। आपको मैं ये बता दूं, अगर एक जेन्युइन आप कस्टमर हैं तो पूरे तरीके से कोई भी 420 का केस नहीं होगा। काफी बताते हैं कि 7,000 का लोन नहीं दे पा रहा हूँ, 5,000 का लोन नहीं दे पा रहा हूँ, क्या बैंक NBFC 420 का केस कर देंगे। तो ऐसा तो कोई लिमिट है ही नहीं कि भाई इतने रुपए के लोन पर 420 का केस होगा। ये तो धारा ही थोड़ी अलग है। केस तब होगा जब आपने कोई फ्रॉड किया होगा, जब आपने कोई 420 की होगी तभी तो केस होगा। जब आपने कोई 420 की नहीं तो भैया काहे का केस, क्यों केस। तो ये तो एक आपको डराते हैं, धमकाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमने केस कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने आपको जेल भेजना है, ये करना है, वो करना है, तो कभी आपको डरना घबराना नहीं है। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। करने को ये 500 रुपए पे भी केस कर दें, मतलब 420 अगर आपने की हो, करने को ये 1 रुपए का भी हो तब भी कर दें, बस ये हो 420 किया हो तभी तो केस कर सकते हैं। जब 420 की नहीं हो तो कैसे केस कर सकते हैं, तो कोई केस वगैरह नहीं होता है। और अमाउंट पर तो आखिर बनता ही नहीं है कुछ, अमाउंट का तो कोई मैटर ही नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक कर देंगे। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर देंगे। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बताना चाहेंगे, आप हमसे पूरे तरीके से बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हमारी पेड सर्विस का उपयोग करना पड़ेगा। पेड सर्विस को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी प्रॉपर डिटेल हमें प्रोवाइड करानी है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट लेना है। हम टेलीफोनिकली आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और हमारी जो मिनिमम फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल जाएगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच।